Hi friends, I'm your host Gaurav Sukhti and welcome to our channel Homegram. So first of all, thank you so much for giving such a wonderful response in our last video. Golf Estate cover किया हमने पूरा, उससे पहले आपको बताया कि Golf Estate आने क्या वाला है, तो आपने इतना अच्छा प्यार दिया, हमने बहुत अच्छे numbers किए हैं. So now the project is sold out. I will not take more time for Golf Estate. It was one of the wonderful project at right timing, at right price and right product. So मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं ना, तो चाहे इन्वेस्टर्स हों, एंड यूजर्स हों, सबका फायदा है. इन जस्ट ड्यूरेशन ऑफ ऑलमोस्ट 4 to 5 days दे हैव सोल्ड मोर देन 12 टावर्स, मोर देन 1400 इन्वेंट्रीज वर्थ रुपीज 2500 करोड़. सो ये फिगर्स है ना, ये अपने आप में बोलते हैं कि रेजिडेंशियल सेल्स कितना अच्छा कर रही है. तो जो लोग कह रहे हैं कि रियल स्टेट इतना अच्छा नहीं करेगी, लेट मी शेयर अ वेरी गुड फिगर विद यू. 14% की क्वार्टर 1 2023 में ग्रोथ एक्सपेक्टेड है रेजिडेंशियल सेल्स में 2022 से कंपैरिजन करें. सो ये कई फिगर्स हैं जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं. अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो 2023 बहुत अच्छा साल निकलने वाला है. सो लेट्स कम बैक ऑन द पॉइंट. सो द टॉपिक ऑफ द वीडियो इज फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट एम3 मंटालिया हिल्स. सो आई अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि गोल्फ एस्टेट खत्म हो गया है, तो कई लोग अभी भी सर्च कर रहे होंगे कैसे किसी ना किसी तरीके से उन्हें यूनिट मिल जाए. सो सेक्टर 79 पे सबसे पहले हमने एक वीडियो बनाई, आप वो जरूर देखिएगा, जिसमें हमने शेयर किया है कि ये सबसे ज्यादा डेवलपिंग रेजिडेंशियल हब बनने वाला है गुड़गांव का. डू वॉच दैट वीडियो. सेकेंड वीडियो विच यू हैव टू वॉच इज अबाउट द अंटालिया हिल्स लो राइज लग्जरी फ्लोर्स. बिकॉज मैं प्रोजेक्ट नहीं समझाऊंगा, मैं फ्रिक्वेंटली आज जो क्लाइंट्स ने, कस्टमर्स ने क्वेश्चन पूछे हैं, वो पूरा का पूरा एक Q&A राउंड चलाएंगे जिसमें मैं उन सारे क्वेश्चन का आंसर करूंगा. अगर आपने वीडियो अंटालिया हिल्स की नहीं देखी तो वो वीडियो भी देखिएगा. एक मेरी आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, हमने सारे एनालिटिक्स देखे, आप लोग व्यूअरशिप बहुत अच्छी देते हैं बट कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते. सो मैं आप लोगों से ये हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है और कंटिन्यूसली आप वीडियोस देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन आप लोगों की तरफ से मिलती है कि इतना अच्छा कंटेंट हम डिलीवर करें. सो लेट्स गो एट गाइस. सो सबसे पहले अंटालिया हिल्स लो राइज लग्जरी डेवलपमेंट हो रही है सेक्टर 79 में. एवरीवन नोज दिस थिंग. इफ यू हैव ऑलरेडी परचेज द फ्लैट, ये वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. सो सबसे पहला क्वेश्चन आता है अंटालिया हिल्स में, जो पूछते हैं कोई कि कौन सी पॉकेट सबसे अच्छी है. सो इसमें पॉकेट्स हैं अलग अलग, मैपल है, पाम है, पाइन है और एबनी है. सो इसमें सबसे अच्छा रिप्लाई मेरे को जो लगता है वो यही है, इट्स नॉट आई एम सेलिंग यू. एबनी पॉकेट अगर आप देखेंगे सारी पॉकेट्स में से, तो उसमें सबसे ज़्यादा ग्रीन एरिया है. तो 4.5 acres का ग्रीन एरिया है. मीनवाइल जिस थीम पे प्रोजेक्ट बना था अंटालिया हिल्स, एबनी पॉकेट इज द नियरेस्ट पॉकेट टू योर अरावली हिल्स. सो कहीं ना कहीं जो व्यू है हर पॉकेट में आएगा, आपको पार्शियल फुल व्यू आएगा, बट जो एबनी पॉकेट है इसमें सबसे ज़्यादा व्यू आएगा. सो व्हाट आई बिलीव, एबनी पॉकेट अगर आप देखते हैं तो आपको 4.5 acres का ग्रीन एरिया मिलता है, मल्टीपल कम्युनिटी एरियाज मिलते हैं. मीनवाइल आप अरावलीज के बहुत पास आ जाते हैं. सेकेंड क्वेश्चन आता है, विच टेरिस, विच पार्किंग, विच बेसमेंट इफ आई गो फॉर सेकेंड फ्लोर इन 2.5 BHK. सो स्पेसिफिकली अभी बिल्डर ने ये मार्किंग नहीं की है कि आपको ये बेसमेंट मिलेगी और ये टेरिस सेट मिलेगा. दैट राइट बिलोंग्स टू द बिल्डर ओनली. वंस यू गेट द पोजिशन, तो पोजिशन के बाद आपको जो है ये वाली चीज अलॉट कर दी जाएगी, बिल्डर के हाथ में ही है. सो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन में आता है कि कैन आई रिक्वेस्ट द रोटेशन ऑफ पार्किंग और टेरिस. So I don't think you will be getting an option once you will be giving the position. The builder will be giving the position. क्योंकि ये वाला option दे दिया तो कहीं ना कहीं हर कोई आदमी अपने अपने जो है parking और terrace choose करने लग जाएंगे. एक अच्छा question है, where else is the greenery in the building? So low rise luxury development है, multiple green areas हैं, बाहर तो आपको जो है greenery मिलती है. Simultaneously if we see the plan, आपको हर facade के बाहर थोड़ी बहुत greenery मिलती है. What I believe, आपके जो है ट्रीज प्लांट किए जाएंगे हर एक फसाड के बाद. इसके अलावा जो बिल्डर क्लेम करता है, दैट इज द टेरेस विल बी हैविंग एक्सटेंसिव ग्रीनरी. सो जो आपको सिट आउट एरिया मिलने वाले हैं, हर सिट आउट एरिया में सॉफ्ट पार्टीशन ग्रीनरी का रहेगा. सो आगे चलते हैं गाइस. फोर्थ क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत लोग कंफ्यूज हैं. सो आई विल ट्राई टू गिव यू एग्जैक्ट आंसर. व्हाट इज द एग्जैक्ट साइज ऑफ बेसमेंट रूम एंड टेरेस स्पेस फॉर 2.5 एंड 3.5 BHK. सो इफ वी टॉक अबाउट 2.5 BHK, अगर बेसमेंट की बात करें तो 2.5 BHK में ऑलमोस्ट 200 स्क्वायर फीट की जो है आपको स्पेस मिलती है, स्पेसिफिकली 194 स्क्वायर फीट है. और वहीं पे 3.5 BHK में बेसमेंट की स्पेस जो मिलती है, दैट इज 258 स्क्वायर फीट. सो डायमेंशन चेंज हो सकते हैं,
बट एरिया सेम रहेगा, किसी का थोड़ा सा लंबा रूम है, किसी का स्क्वेरिश रूम है, रेक्टेंगल है, तो आपके डायमेंशंस थोड़े बहुत चेंज होंगे बट मोर लेस साइज सेम रहेगा। इसके अलावा अगर हम टेरेस की बात करें, सो टेरेस में जो एस्टिमेटेड एरिया दिया जा रहा है बिल्डर की तरफ से, दैट इज ऑलमोस्ट 110 स्क्वायर फीट फॉर 2.5 BHK एंड 150 स्क्वायर फीट फॉर 3.5 BHK। यस, सेट आउट एरिया जो है पूरा का पूरा बना के देंगे, सो यू कैन से दिस थिंग दैट ऑलमोस्ट 7 to 8 पीपल कैन सिट डाउन इन टेरेस स्पेस। इसके आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, दैट इज कैन आई मेक विंडो इन कॉर्नर वॉल ऑफ द कॉर्नर अपार्टमेंट, व्हाई नॉट, द होल हाउस विल हार्डली हैव सनलाइट। सो व्हाट आई बिलीव, कॉर्नर प्लॉट्स की जितनी इन्वेंट्री है वैसे तो खत्म हो चुकी होंगी, बट अगर कॉर्नर प्लॉट की बात करें, अगर आप कॉर्नर की फसाड में देखेंगे, आप बाहर आउटर फसाड में कुछ नहीं कर सकते, इंटरनल आप थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं। जो मैं समझ पा रहा हूँ कि कॉर्नर की अगर ये वॉल है तो वॉल में आप सोच रहे होंगे कहीं ना कहीं से विंडो निकाल दे, दैट इज नॉट अलाउड। सो ये मुझे नहीं लगता बिल्डर आपको पोजिशन की बात भी अलाउ करेगा। इसके बाद आते हैं, 26 वाइड गुड विल वार्डरोब विल बी कंप्लीटेड एंड गिवन इन दैट, व्हाट टाइप ऑफ वार्डरोब, हाउ मेनी एंड वेयर। सो 26 वाइड गुड्स की एक स्कीम चल रही है जिसमें वार्डरोब के लिए बिल्डर आपको एक वाउचर दे रहा है, दैट वाउचर कॉस्ट इज ऑफ 50,000, दे आर नॉट गिविंग यू वार्डरोब। तो वार्डरोब आपको बनी बनाई नहीं मिल रही, एक वाउचर मिलेगा, तो वो वाउचर आप अपने हिसाब से जैसी आपको कस्टमाइजेशन करवानी है वार्डरोब में आप वो करवा सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी एसी इन 2.5 BHK एंड 3.5 BHK, व्हाट पार्ट हैव सेंट्रली एयर कंडीशन। सो एसी की अगर हम बात करें 26 वाइट गुड्स में, 2.5 BHK में आपको 3 AC मिलते हैं, वहीं पे 3.5 BHK में आपको जो है 4 AC मिलते हैं। सो आपके हर बेडरूम में AC होगा और आपके लिविंग रूम में AC होगा। इसके बाद सेंट्रली एयर कंडीशन कहीं नहीं है, यू विल बी गेटिंग स्प्लिट एसी, बिकॉज व्हाट आई फील लाइक जो स्टिल फ्लोर्स हैं कि आपके फ्लोर्स में सेंट्रली एयर कंडीशन का प्रोविजन बहुत टफ है और वो कॉस्टली भी ज्यादा है, इसलिए आपको स्प्लिट एसी मिलेगी। आगे चलते हैं गाइस, वेयर इज द क्लब हाउस इन द होल अंटालिया हिल्स, साइज एंड डिजाइन। सो व्हाट आई बिलीव, एग्जैक्ट क्लैरिटी इज नॉट देयर इन द मार्केट, बट देयर आर डिफरेंट क्लब हाउस कम्युनिटी सेंटर। तो आप जैसे एबनी पॉकेट, मैपल में देखेंगे, पाइन में देखेंगे, पाम में देखेंगे, तो आपको कम्युनिटी सेंटर लिखा हुआ एरिया दिखेगा हर ग्रीन एरिया के साथ, तो वहां पे इंडोर एक्टिविटीज आएंगी। मीनवाइल अगर हम बात करें ग्रीनरी की, तो आपको सेपरेट पार्क हर पॉकेट में मिल रहे हैं। एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं है कि कैसा बन के निकल के आएगा, बट व्हाट बिल्डर इज क्लेमिंग इज 100+ अमेनिटीज यू आर गेटिंग। सो 100+ अमेनिटीज में यू कैन थिंक ऑफ ऑल स्पोर्ट्स रिलेटेड अमेनिटीज, स्विमिंग पूल विल बी देयर, इंडोर गेम्स विल बी देयर, इसके अलावा जो ओपन जिम होता है वो भी होगा। सो मोर ऑर लेस आप जो एक हाई राइज में अमेनिटीज एक्सपेक्ट करते हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ मिलेंगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं, वेयर आर एक्स्ट्रा कार्स पार्क्ड, विल इट बी ओपन एरिया, इज दैट लीगल पर रेरा। सो एक्स्ट्रा कार की अगर हम बात करें 3.5 BHK की स्पेसिफिकली देखें तो 10 कार पार्किंग मिलती है, फॉर 8 फ्लोर देयर आर 10 कार पार्किंग, 2.5 BHK में आपकी 8 कार पार्किंग ही होती है। सो इसके अलावा यस देयर विल बी ओपन स्पेस ऑल्सो फॉर द कार पार्किंग, अकॉर्डिंग टू द रेरा नॉर्म आपको 1.5 टाइम्स कार की पार्किंग बनानी होती है। इसका मतलब ये है कि अगर 1,000 अपार्टमेंट्स बन रहे हैं तो रेरा का नॉर्म है आपको 1,500 बाय डिफॉल्ट कार पार्किंग बनानी पड़ेगी। सो बाय डिफॉल्ट बिल्डर हैज टू टेक केयर ऑफ दैट पॉइंट, तो आप ये लगा के चल सकते हैं कि 1.5 गुना कार पार्किंग बाय डिफॉल्ट रहेगी। इसके आगे चलते हैं हम, तो इसके आगे अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मंथली मेंटेनेंस फॉर 2 and 3 BHK। सो मंथली मेंटेनेंस डिपेंड ऑन द साइज, यस। इसके अलावा अगर हम आज का सिनेरियो देखें तो 2.5 रुपीज पर स्क्वायर फीट से शुरू होकर ये 3.5 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक की मंथली मेंटेनेंस चलती है। सो अगर हम सबसे छोटा 2.5 BHK का साइज लेके चलेंगे, तो 2.5 BHK 1171 स्क्वायर फीट है, इंटू 2.5 करेंगे तो लगभग 2500 से 2700 रुपए 2.5 BHK की है। इसके अलावा 3.5 BHK 1500-1800 स्क्वायर फीट का साइज लेके चलेंगे, इंटू 2.5 करेंगे तो लगभग 3,500 से 4,000 मंथली मेंटेनेंस आपकी जाएगी। इसके आगे आते हैं, सो क्वेश्चन नंबर 12 है, बाथरूम फिटिंग्स विच ब्रांड। सो अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, दिस इज द इनिशियल स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट, अभी एक्सकेवेशन का काम चला है। सो बिल्डर ए ग्रेड जो है फिटिंग एंड फिक्सचर्स लगाएगा, देर इज नो डाउट इन दैट, बट राइट नाउ इफ यू विल बी आस्किंग एनी काइंड ऑफ ब्रांड, आज मेरे ख्याल से मुझे भी प्रॉपर्टी सेल करते हुए बहुत टाइम हो गया, स्पेसिफिक ब्रांड बहुत कम बिल्डर बताते हैं, क्योंकि वो अवेलेबिलिटी उस टाइम पे क्या होती है उसी पे मैटर करता है। तो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट काइंड ऑफ टाइल्स फ्लोरिंग इन अपार्टमेंट एंड इन मास्टर बेडरूम एंड इन बेल्कनी। सो इट इज एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन। वन थिंग व्हिच आई वांट टू मेंशन इन दिस इज,
टाइल्स आपकी इटालियन मार्बल से रिप्लेस हो गई है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट अल्ट्रा लग्जरी योर अपार्टमेंट्स. रीजन इज आपको टाइल्स नहीं मिल रही है, इसमें इटालियन मार्बल मिल रहा है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो है एंटी स्किड टाइल्स होती हैं आपकी जो है बेल्कनी में, नॉर्मल टाइल्स आपकी जो है किचन में होती है, एक मास्टर बेडरूम में आपको वुडन फ्लोरिंग मिलेगी. सो ये चीजें ब्रोशर में ऑलरेडी मेंशन है. सो क्वेश्चन नंबर 14 इज बेल्कनी रेयर, वेयर विल बी द वाटर सप्लाई. सो वाटर प्रोविजन हर बेल्कनी में होता है कंसिडरिंग द पार्ट. एवरीवन नोज दिस थिंग दैट बेल्कनी इज वेल यूटिलाइज्ड फॉर द क्लीनिंग पर्पस, फॉर योर वॉशिंग मशीन. सो वाटर प्रोविजन आपको हर जगह मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग. सो 15th क्वेश्चन आता है, कैन आई सेल माई बेसमेंट एंड अ टेरिस सेपरेटली. सो नो, यू कांट सेल योर बेसमेंट एंड टेरिस राइट्स सेपरेटली. दिस बेसमेंट एंड टेरिस राइट्स बिलोंग्स टू यू, इट विल बी मेंशन इन द पेपर ऑल्सो, बट आप सेपरेटली इसे सेल नहीं कर सकते. इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन नंबर 16, कैन आई मेक पार्टीशन वॉल इन बेसमेंट. येस, यू कैन डू एनी काइंड ऑफ कस्टमाइजेशन इन योर स्पेस, इन योर प्रीमिसेस, टिल द टाइम आप बाहर का आउटर फसाड हैम्पर नहीं कर रहे हैं, आप अंदर कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. बेसमेंट वाले रूम को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक को आप स्टोर रूम बना सकते हैं, आगे वाले एरिया को आप सर्वेंट रूम बना सकते हैं. इसके अलावा बेसमेंट, अगर आप ये क्वेश्चन उठा तो मैं आपको बड़े इनोवेटिव आइडिया दे सकता हूँ. यू कैन मेक होम ऑफिस ऑल्सो. सो बेसमेंट बहुत अच्छा होम ऑफिस निकल के आ सकता है. पीपल हु आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम, फॉर देम होम ऑफिस इज वन ऑफ द नेसेसिटी. बेसमेंट को आप उस वे में यूटिलाइज कर सकते हैं. इसके अलावा बेसमेंट का स्पेस इतना बड़ा है, स्टोरेज के साथ साथ एक अच्छा बड़ा रूम आपका निकल के आ सकता है. सो 2.5 BHK जो लेने की बात कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट यू कैन यूटिलाइज दैट रूम एंड इट विल बिकम 3.5 BHK. एंड इफ यू आर बाइंग 3.5 BHK, बाय डिफॉल्ट यू कैन यूज दैट रूम ऑल्सो, इट विल बिकम 4.5 BHK. तो आई वॉन्ट टू एड वन मोर पॉइंट. तो अगर आप लोगों को ये प्रोजेक्ट की और डिटेल्स चाहिए तो नीचे नंबर आप देख रहे हैं, आप #M3M79 डाल दीजिए, हमारी जो टीम है आपसे कनेक्ट कर लेगी और आपको और डिटेल्स बता देगी इन्वेंट्री के बारे में. बहुत लिमिटेड इन्वेंट्रीज बची है क्योंकि गोल्फ एस्टेट सोल्ड होने के बाद अंटालिया हिल्स पे सारा का सारा प्रेशर आ गया है. सेम सेक्टर है, सेम बिल्डर है, सेम सारी की सारी चीजें हैं. तो आपको कहीं ना कहीं अच्छी इन्वेंट्री अगर चाहिए, आप नीचे वाले नंबर पे #hashtag लिख सकते हैं. तो आगे चलते हैं गाइज. तो क्वेश्चन नंबर 16 इज, what will be there in my sales deed and possession letter, what will be the carpet area, will it includes car parking, open terrace and basement. Very interesting questions. So carpet area is already mentioned in the brochure, I will not go on that point. Reason is there are multiple sizes. So carpet area builder pehle se claim karke chalta hai. Basement ka aur terrace rights ka aaj hi aapke BBA mein register ho jayega, that you are getting this space of the basement and this space of terrace right. तो वो पेपर वर्क होगा, ऐसा नहीं है कि आपको बोला जा रहा है और आपको मिलेगा, नहीं, वो पेपर वर्क साथ साथ होगा उसके. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं, ये है कि बेल्कनीज विल बी हैविंग एनी वाटर कनेक्शन. आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट बेल्कनीज में वाटर कनेक्शन भी होगा, ड्रेनेज का सिस्टम भी होगा, वो सारी की सारी चीजें आपको पूरे के पूरे फ्लोर में मिलेगी. क्वेश्चन नंबर 18 इज, व्हाट इज द एग्जैक्ट एरिया ऑफ फ्रंट रोड एंड द बैक साइड रोड. सो बैक साइड रोड इज अ सेटबैक एरिया. तो फ्रंट रोड 9 मीटर की है, 9 मीटर का मतलब हो गया 27 से 28 फिट की आपकी फ्रंट की रोड है. एंड बैक साइड वाली जो रोड है दैट इज ऑफ 5 मीटर, सो 17-18 फिट की आपकी बैक साइड की रोड है. तो दोनों तरफ बेल्कनी होगी, दोनों तरफ से ओपन होगा, सो दैट यू कैन हैव अ स्मार्ट पार्किंग. अगर आपको आगे गाड़ी खड़ी है तो आप वहीं से जो है निकाल के अपनी गाड़ी सेटबैक एरिया से भी लेके जा सकते हैं, देयर विल बी एम्पल स्पेस फॉर दैट. तो क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, क्वेश्चन है where is M3M Golf Estate 2? Is it part of Antalya Hills? No, this is not the same land parcel. This is into the same sector. जिन लोगों ने सेक्टर 79 नहीं देखा, मैं उनको बता देता हूँ कि Antalya Hills जो है वो नौरंगपुर रोड से भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी देता है. ये भी नौरंगपुर रोड से आ सकते हैं, बट दिस गोल्फ एस्टेट 2 इज ऑन 60 मीटर वाइड रोड विच इज SPR एक्सटेंशन मैप्सको के बिल्कुल सामने. अंटालिया हिल्स के लिए आपको 24 मीटर की रोड अंदर ट्रेवल करके बेस्टेक एल्टुरा के साथ लगी हुई लैंड पे जाना पड़ेगा. सो वहां पे अंटालिया हिल्स है. यस, यू विल बी हैविंग अ वॉकिंग डिस्टेंस, बट समहाउ द बोथ लैंड पार्सल आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. अगला क्वेश्चन है, कैन आई यूज ऑल द अमेनिटीज ऑफ द क्लब हाउस ऑफ ऑल पॉकेट्स. यस, अंटालिया हिल्स इज अ वन सिंगल प्रोजेक्ट, सो ऑल पॉकेट्स आर वेरी नियर बाय, वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं. जितने भी क्लब हाउस, जितनी भी अमेनिटीज किसी भी पॉकेट में मिल रही है, लेट्स से आपने एबनी में एक फ्लोर खरीदा है और आपको मैपल में जाना है या आपको पाम में जाना है, कोई अमेनिटी, कोई स्विमिंग पूल, कोई क्लब हाउस
यूज कर ले तो आप बहुत आराम से वॉकिंग डिस्टेंस से जा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेक्टर 79 इज वन ऑफ द इमर्जिंग लोकेशन, कैन इट बी रिप्लेस विद सेक्टर 89 M3M सॉलिट्यूड? सो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। सो M3M सॉलिट्यूड सेक्टर 89 इज ऑल्सो अ गुड लोकेशन बिकॉज इट इज इन टू द न्यू गुड़गांव। न्यू गुड़गांव ऑलरेडी एक हैबिटेटेड एरिया है, वहीं पे 79 देखेंगे तो ये एक तरह से डेवलपिंग एरिया है। डेवलपिंग एरिया क्यों बोल रहा हूँ, अभी यहाँ पे हैबिटेशन आनी है, सिविक कम्युनिटीज धीरे धीरे करके डेवलप हो रही है, पब्लिक कन्वेंस आ रहा है, SPR से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो रही है। सो समहाउ 89 सेक्टर को एक्सेप्टेंस मिल चुकी है और जो अगले 4 से 5 महीने में पोजिशन मिलने वाला है, यही चीज 89 वाली चीज आपको 1.5 साल बाद अंटालिया हिल्स में मिलेगी। बोथ आर इक्वली गुड लोकेशन। I can bet also 79 location जो है जिस दिन ये बनके प्रोजेक्ट आ जाएगा तो 89 से भी बेटर होगी। रीजन क्या है, इसकी SPR से कनेक्टिविटी और NH8 से इसका डिस्टेंस क्योंकि 2 किलोमीटर का है, वहीं पे आपको 89 जाने के लिए 5 से 5.5 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता है। इसके बाद आते हैं DDJY के लाइसेंसेज सस्पेंड हो चुके हैं। सो अंटालिया हिल्स का लाइसेंस सारी पॉकेट्स का आया हुआ है। Yes. ये बहुत अच्छा पॉइंट है। सो आई विल कंक्लूड दिस पॉइंट बिकॉज दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सो दीनदयाल जनवास योजना इज ऑलरेडी सस्पेंडेड फ्रॉम फरीदाबाद एंड गुड़गांव। तो M3M की ये लास्ट पॉकेट होगी लोराइज लग्जरी डेवलपमेंट में। सो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, आज अगर दीनदयाल के छोटे फ्लोर्स प्लॉट्स आएंगे ही नहीं, सप्लाई बंद हो जाएगी। सप्लाई बंद होने से डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। तो जो जितने लोग जो ये अंटालिया हिल्स हो गया या लो राइज लग्जरी डेवलपमेंट होगी इसके बारे में सोच रहे हैं, दिस इज द लास्ट ऑप्शन। आई बिलीव 100-125 इन्वेंट्री बची होंगी टोटल पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में। अगर आप लोग अभी भी सोच रहे हैं कि लो राइज लग्जरी डेवलपमेंट में लेने का, इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट और एंड यूजर ऑल्सो, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट यूटिलिटी प्रोडक्ट। सो आप अभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बिकॉज वॉट आई बिलीव M3M की कोई भी प्रोजेक्ट अब लो राइज लग्जरी डेवलपमेंट में आनी नहीं है। सो एक ये क्वेश्चनेयर था, आई होप मैंने अच्छी क्लैरिटी दी होगी आपको। अगर आपने खरीदा हुआ है, आप भी चाहते हैं और क्वेश्चन ऐड करना या आप चाहते हैं किसी और प्रोजेक्ट के बारे में हम एक Q&A राउंड चलाएं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में उस प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा या इवन आप पूरा क्वेश्चनेयर बना के हमारे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू कवर एवरी सिंगल क्वेश्चनेयर ऑफ यू। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल बिकॉज वट आई बिलीव एनालिटिक्स शो करते हैं आप लोग वीडियो देखते हैं बट आप सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम ऐसा कॉन्टेंट बहुत रेगुलर बेसिस पे बनाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।